गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में एक और नए दिन के साथ। दोस्तों अभी जो मैं रात को यहाँ पर, मेरे को 10:30 बज गए थे, तो मैं फिलहाल अभी वहीं पे वैष्णो ढाबे पे जहाँ पर गाड़ी, हम लोग रात को ज़्यादातर हम यहीं रुकते हैं इधर से जाने में और उधर से आने में, क्योंकि हमारा सबसे पुराना होटल है और सबसे भरोसेमंद है। और ये होटल आज से नहीं, कई सालों से, जब से मेरी कंडक्टर से पहले से ही है। बहुत पुराने पुराने होटल होते हैं तो उनका विश्वास होता है। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8:30 और अभी मैं हूँ इसी होटल पर। क्यों? क्योंकि अभी हमारी डीलर से बात नहीं हुई है, क्योंकि इंदौर यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के रास्ते पे है। 1 घंटे में हम इंदौर पहुँच जाएंगे, तो कहाँ खाली होगी कहाँ नहीं खाली होगी, तो ये हमें पहले डीलर से हम बात करेंगे। तो तकरीबन उन्हें 9 बजे तक हम फोन लगाएंगे, तो जब तक हम लोग यहाँ से रेडी होते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, फिर थोड़ा नाश्ता करेंगे। आज खाएंगे यहाँ पर पोहा यार, बम्बई का सावरा बड़ा पाव याद आता है मेरे को। तो चलो चलते हैं, अभी पहले गाड़ी अपनी रेडी कर लेते हैं, पहले गाड़ी का टायर वायर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं अक्सर सुबह हम लोग चेक करते हैं। बारिश में तो तकरीबन करना चाहिए, क्योंकि कौन सा नट किधर से घुस जाए आके कोई पता नहीं चलता। ये देखो कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है, अगर गाड़ी लेके चल दे तो दिक्कत। अब ऐसे ध्यान देना पड़ता है, अगर ऐसे ध्यान ना दो तो दिक्कत आती। ये रहा जलेबी, ये पोहा है 30 देने, ये है टोकन देना। ये देखो समोसे में भी वैरायटी है, ये पीला समोसा, ये किसी काय का समोसा है, या अच्छा ये मीठा समोसा है, और ये है अपना सादा समोसा और कचौड़ी। ये लो दे दो पोहा जलेबी, अपने एमपी का फेवरेट। ला 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 ला। ये आ गया भैया, अब दोनों हाथ पे कैसे लूंगा, पहले इसको रख के आता हूँ। तो गरम कितना है भाई, तो ये है भाई साहब जलेबी हमारी। हाँ 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 हाँ, तो मैं नाश्ता करके आ गया हूँ गाड़ी के पास। और कल मेरे को एक बात याद आई थी, लेकिन वो शाम को ज्यादा लेट हो गए थे, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। अब मेरी गाड़ी जो है इस टाइम चल चुकी है 5000 किलोमीटर से ऊपर, जब से मैंने गाड़ी पकड़ी है। तो 5000 किलोमीटर पे हमें इसका एयर फिल्टर जो हमें इसका साफ कराना होता है। तो अभी 5000 किलोमीटर चल गई, पहले चलते हैं इसमें ना एयर फिल्टर में, इसको हवा करवा देते हैं। तो भाई जब से गाड़ी पकड़ी है ग्रीस वनी नहीं कराया, तो ग्रीस भी करा लेते हैं और इसका वो ले लेंगे बिल वगैरह। सर 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 कैसे हो सर, ये कौन सी है, ये गाड़ी है और कौन सी है, बस KMT की नहीं है, बड़ी कंपनी की गाड़ी है। अरे नहीं यार, ये KMT के सामने तो बहुत छोटी है यार, KMT बहुत बड़ी है भाई साहब, छोटी है। अरे काय को छोटी मोटी है, KMT राजस्थान का किंग है भाई। अरे तो क्या इंदौर में जैगवार कहाँ खाली होता है मालूम है क्या? नहीं मालूम। अच्छा जैगवार, उसमें 4 गाड़ी है सर, ले लो। मेरा क्या, मुझे तो दे नहीं है, चाहे इधर दे दू चाहे उधर दे दू, बस मैटर ये है वो आप सुलट लेना। अरे तो आपको सुलटना पड़ेगा ना भाई, अब आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का भैया गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी। क्या घुस गया, क्या घुस गया, नट घुस गया क्या? अरे इन गाड़ियों रेडियल टायर में नट नहीं घुसना चाहिए, कील पील तो फिर भी चल जाती है, अगर नट घुसा तो टायर की जिंदगी खराब। रास्तों में इतने खड्डे थे ना, पूछो मत, गाड़ियों की हालत खराब। लेकिन मैं गाड़ी बांधता ऐसी हो ना, एक बार मेरे बांध लेता हूँ ना तो मैं एक गाड़ी उधर वो पीछे खड़ी है, एक ये खड़ी है। पहले टाटा में ऐसे फिल्टर नहीं आते थे, पहले आते थे दूसरे टाइप के फिल्टर।
ये तो टेंशन डाउट तो दूर हो गया। 5000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद भी फिल्टर इतना गंदा नहीं हुआ। अभी क्या है, बारिश में क्या धूल वगैरह इतनी उड़ती नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो इसलिए ऑक्सीजन बराबर आता है। KM है ये, किन पिन है? किन पिन तो ये किन पिन में मार रहे हैं अभी गिरीश, देखो दबा दबा रहे हैं, से पता लगेगा। ये अपना ऊपर वाला किन पिन, ये ऊपर वाला किन पिन, इसमें टोटल ही बंद कर दिया। नीचे आगे कमानी में तो नहीं लगता है, पीछे वाली कमानियों में लगता है। सबसे ज्यादा गिरीस खाती है, इसमें कम भी लगता है, गिरीस भी खाती है। दूसरी बात ये है कि इनकी कीमत जो है वो क्या दे रखी है, हेवी बहुत। अच्छा, फोड़ने में ना हाथ वाला फोड़ नहीं पाता। अच्छा अच्छा, ये हो गई पीछे गुल्ली। तुम्हारी कबाड़ है, भाई देखो मशीन ने कितना जल्दी किया। अभी जो खाली हो गई थी इसकी नोजल में वापसी इसने ग्रीस भरने के लिए इसने 2-3 प्रेशर मारे तो अपने आप भर गई हो। भाई जब तक ये मार रहा है गिरीश और जब तक कंप्लीट करता है फिल्टर रिटर्न लगा के, तो मैं कर लेता हूँ डीलर को फोन और डीलर क्या बोलता है, कहाँ खाली होगी वो बताता है, तो मैं जरा फोन लगाऊ उसको फटाफट। चलो भाई, आज एक पहला दिन, पहले महीने का, 8वें महीने का अब शुरुआत हो गया। 8वां महीना भैया, 7 महीने निकल गए इस साल के, पता भी नहीं चला यार। ऐसे साल निकल रहा है जैसे पता नहीं क्या, कितना आदमी कितना बिजी हो गया यार आज के टाइम में। तो भैया बिल बना है 190 रुपए का, ये भैया ने 10 वापस दे दिए। तो निकलते हैं यहाँ से, डीलर से बात नहीं हुई है मेरी, मैं चलता हूँ अभी इंदौर बाईपास में ही, वहीं खड़ी करके वहीं फोन कर लेंगे। अरे बड़ी बड़ी कंपनी, आज तक नहीं हुई कभी KMTV जगह भाई, छोटी मोटी मारती टाटा ही लोड कर ले। हाँ सही बात है, सही बात है। पूछो बात। तो चले अब चलते हैं यहाँ से, फटाफट निकलते हैं, वहां तक पहुंचेंगे। उससे जब तक फोन लगा भी, मैं फोन लगा रहा हूँ तो वो आउट ऑफ सर्विस बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब तक पहुंचेंगे लगा देंगे, शायद 1-1.5 घंटा, अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, बाईपास पार कर लिया हमने इंदौर का पूरा बाईपास पार करके, ये देवास नाके की तरफ रोड मुड़ता है लेफ्ट साइड में पुल से, तो उधर के लिए हम लोग घूम गए। अब यहाँ से सीधा 8 किलोमीटर हमारा जो है पॉइंट, जो लोकेशन है वो वहाँ वो दिखा रहा है, तो चलो चलते हैं वहाँ सीधा का सीधा, पहले वहीं रुकेंगे। ये क्या है ना, इधर थोड़ा वो है, पैर गंदा करना पड़ेगा, वो और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर धो ले। अच्छा ठीक है, भाई कह रहा नल लगा हुआ है तो बाहर धो लेंगे अभी, चलो ठीक है इसको खाली करते हैं। इधर वैसा गंदा पानी नहीं है बारिश का, ये सारा ओ तेरी कीचड़, अरे तेरी। तो फिलहाल तो मैं गाड़ी उतार दूं क्योंकि यहाँ कीचड़ ज्यादा है, पता लगा मोबाइल हाथ से गिर गया, कई बार हो जाता है ऐसा, तो कीचड़ में मिल जाएगा सारा पानी। या
चलो अपने को खोलने का ये खाली थोड़ा आराम। ओ तेरी, ओ बेटे गया काम से। अबे इधर गड्ढा है भाई। गाड़ी हो गया हमारा अनलोड भाई, तो दो गाड़ी हमने यहाँ उतार दी। अब यहाँ से मैं निकलूंगा सीधा लखनऊ के लिए। ओहो ओहो कितना तेज मारा बताओ उसने। इतना उसको मालूम है, उसका बम्पर में लगा इतना तेज। इतना तेज चला दे यहाँ पर, देख रहे हो कितना तेज बम्पर में लगा यहाँ। होंडा अमेज है, उस आराम से चलाओ भाई, खड्डे में कूदने वाली गाड़ी थोड़ी है ये। है भाई डिफेंडर, कितनी मस्त लगती गाड़ी कैमरे में भी। ये है भाई लोग इंदौर, इंदौर की साइड में हम लोग खाली कर रहे हैं। अभी ये है देवास नाका। दोस्तों मैं आ गया हूँ देवास पार करके। ये है देवास और ब्यावरा वाले रोड पे। तो भाई अभी क्या है, मैं किसी एक होटल पे रुका हूँ, होटल पे खाना वाना खा के फिर निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरी एडिटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हुई है पिछले दिन की, तो बड़ी दिक्कत आती है इस चीज़ में। अभी गाड़ी खाली करते करते जो YT क्रिएट जो खुद का यूट्यूब का एक ऐप है, उस ऐप से मैं उसमें सारी एडिटिंग करके, लेकिन उसमें एक्सपोर्टिंग नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वीडियो मेरे पास आ नहीं पा रहा है। अब मैं उस वीडियो को दूसरे VN में डाल के उसमें एडिटिंग करूंगा। तो फिलहाल अभी चलता हूँ, पहले खाना खा लूँ, भूख लगी बहुत जोर से। किधर है ऑर्डर मास्टर? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर और रोड के साइड में लगा के गाड़ी क्या कर रहा हूँ। तो भाई बात ऐसी है कि मैं कर रहा था वीडियो अपलोड, जहाँ होटल पे लगाई मैंने अपलोडिंग की वहाँ 2 घंटे दिखा रहा था। तो यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर जो 3-3 मेरे को टावर दिखाई दिए हैं, ये देखो 1, 2 और 3, तो मैंने सोचा इसमें से एक आधा जियो का होगा तो अपलोड हो जाएगी। तो भाई साहब करेक्ट रहा, बिल्कुल राइट, तुरंत यहाँ पर आते ही मेरी वीडियो अपलोड हो गई। अच्छा हुआ बच गया, मेरी 6 बजे से पहले वीडियो अपलोड हो गई, जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग पे हो गई। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से। भाई वीडियो अपलोड करने में भी बड़ी वो है यार, कुछ भी कहो। हो कार्ड चेक कर देना। 18,000 का डालना है। ये देखो भाई 0 मिलेगा डीजल। ओ 91 है यार। अबे यहाँ तो कम था ना MP में, हरियाणा वहाँ से फिर भी कम है, वहाँ 92 था ना, नहीं 90 था वहाँ पर। डीजल 2012 से नौकरी कर रहे हो, इतनी लंबी नौकरी कैसे कर लेते हो यार एक जगह ही? तनख्वाह ठीक ठाक मिलता है ना? फिर ठीक है भाई, लंबी नौकरी करने का फायदा जब है जब वहाँ पर अपनी सैलरी बढ़ती रहे, थोड़ा बहुत उसमें पता लगता रहे अपना कि हाँ भाई अपना PF वगैरह उस पर एक्स्ट्रा होता है। PF वगैरह कटता है? कटता है भाई। और ESI मिलता है? सब मिलता है, अच्छा है, पूरा मिलता है, इसीलिए बंदा टिका हुआ है 12 साल से। 2012 से तो 12 साल ही हो गए ना अभी, है ना? तो 12 साल से अगला नौकरी कर रहा है। बोलो संदीप। 6 4 3 2 5 है ये चावल क्यों दे रहे हो मेरे को? गाड़ी में तो बर्तन भी नहीं है, बनाऊंगा कैसे? अच्छा ये आपके यहाँ मिलता है तो ये 2 किलो चावल है। चावल भी ठीक ही है यार, टूटा हुआ वैसा नहीं है बिल्कुल। भाई 2 किलो चावल मिला है मेरे को। देखो इतने दिन से डीजल डलवा रहे पंपों पर 200 लीटर, लेकिन कहीं नहीं मिला। अच्छा इनके यहाँ मिला, अच्छा है। ये दे दो मेरे को ये बिल, अब जा सकता हूँ? चलो भाई किसी बंदे को देंगे रास्ते में, बहुत मिल जाते हैं। बंदरों को देना? नहीं बंदरों को नहीं ना, गरीब लोग मिल जाते हैं ऐसे यार, जो है अच्छी बात है भाई, तो दे देंगे किसी को, किसी का घर चलेगा जो भी है। दोस्तों अभी बज गए हैं 9:30 और मैं आ गया हूँ ब्यावरा। वहाँ से चलने के बाद अभी तक मैंने गाड़ी कहीं रोकी नहीं है और चला ही जा रहा हूँ। अब आगे यहाँ से ब्यावरा से 31 किलोमीटर आगे एक होटल है, 30 किलोमीटर से कम है जरा, और उसी होटल पे चल के सोएंगे, वहीं पे नाइट करेंगे।
और आराम से सुबह उठ के 5 बजे गियर लगाएंगे, क्योंकि अपने को परसों करनी है गाड़ी खाली। जहां तक हो सके परसों हो जाए गाड़ी तो खाली तो ज्यादा बेटर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से तकरीबन मेरी गाड़ी चलेगी अभी 700 किलोमीटर समथिंग, तो 200-250 किलोमीटर का हमें रात को चलानी पड़ेगी कल रात को, जहां तक हो सकता है। बाकी दिन दिन में सुबह 5 बजे चलेंगे ना, तो शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये लड़का बीचों बीच चला रहा है गाड़ी, इसको 2-3 बार हॉर्न मार चुका हूँ, लेकिन नहीं मतलब नहीं है, साइड हटा ले गाड़ी। अब रात में ये थोड़ी दिक्कत रहती है, अब इस लड़के को मैं 3-4 बार इसमें हॉर्न मार चुका हूँ मैं, लेकिन ये साइड में नहीं हो रहा, लेफ्ट नहीं जा रहा, वहीं पर सीधी गाड़ी सीधा सीधा चल रहा है आगे आगे। चलो कोई नहीं, चलने तो मैं थोड़ा अपना ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक नहीं लेता, एक्सीलेटर छोड़ दिया है, तो वो थोड़ा आगे निकल गया है, वो देखो काफी आगे, वो थोड़ा आगे चला गया है, 100 मीटर तो नहीं गया अभी, कम से कम अपनी गाड़ी एक गाड़ी के बराबर का चला गया आगे। अब हुआ है साइड में।